हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर न्यू फ्रेश ब्लॉग। और गाइस, जैसे कि आप लोग को मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में गृह प्रवेश और साथ साथ में कुछ एक हिंट्स दिया था, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अगले राइड जो है काफ़ी लंबा होने जा रहा है, जो कि ना तो 100 किलोमीटर, ना तो 1000 किलोमीटर, ना तो 2000, लगभग 5000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर ये राइड होने वाला है। तो आप अगर गेस कर लिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और ये काफ़ी लंबा राइड होने जा रहा है गाइस, तो आप थोड़ा गेस कर लीजिए कौन सा राइड होने जा रहा है। तो उसके लिए ना मैंने ये जो गाड़ी, ये स्कूटी जो है यामा ZR, कुछ दिन आगे मैंने सर्विस करवाया था झंकर मोड़ ग्लोबल मोटर्स में, लेकिन हुआ ये कि इसका जो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम मैंने जैसे कि सॉल्व बोल के दिखाया था वहाँ पे, ये पिछले वाला जो सर्विसिंग वाले वीडियो में, लेकिन अभी फिर से ये जो प्रॉब्लम जो है ना, अभी फिर से वो प्रॉब्लम शो होने लग गया है। जब भी मैं इसको सुबह सुबह पिकअप देता, मतलब स्टार्ट करके पिकअप देता हूँ, चलाता हूँ, तब फिर ये स्ट्रिंग का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, वाइब्रेशन प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे। और साथ में जो एक लॉन्ग राइड होने वाला है, तो ये जितना भी प्रॉब्लम, छोटा छोटा प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व करके जाना है। तो अभी देखते हैं, बोला है कि कुछ देर बाद में कर देगा, ठीक कर देगा। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारा जो स्ट्रिंग का जो है नट बोल्ट जितना भी है वो थोड़ा लूज हो गया है, जिसकी वजह से जब पिकअप मारता हूँ तब वाइब्रेशन आता है। हालांकि शॉर्ट राइड करने से उतना पता नहीं चलता है, लेकिन आप जब लॉन्ग राइड में जाओगे, लॉन्ग राइड करोगे, या तो फिर सुबह सुबह जब राइड करोगे यानी कि शुरुआत में, तब फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तब पता चलता है कि उसका स्ट्रिंग थोड़ा लूज है बोल के। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। उसके साथ में फिर इसका काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन भी करवाना है, जैसे कि ये सब लाइटिंग सेटअप से लेके ये सब सेटअप वगैरह तो है ही, और उसी के साथ साथ में और मॉडिफिकेशन करवाना है। हालांकि मैंने बाइक अभी जो धुला नहीं है, इसीलिए इतना गंदा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि सैडल स्टे भी लगाऊँ, जैसे कि यहाँ पे सैडल स्टे होता है वो लगाऊँ, जिसकी वजह से मेरा जो भी यहाँ सैडल बैग होगा, सैडल बैग होगा नहीं, जो सैडल बैग है उससे ये जो स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा, जो कि आपको मॉडिफिकेशन वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग्स पे। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर कीजिए, जो कि अगले वाला जो राइड होगा ना, काफ़ी बढ़िया राइड होगा गाइस, काफ़ी लंबा राइड, काफ़ी लंबा। आप जो गेस कर रहे हैं शायद वो करेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए कमेंट करना ना भूलें। तो बने रहिए ब्लॉग्स। तो मेरा गाड़ी जो है लेके जा रहा है अभी, लेके और गाइस मेरा स्कूटी जो है ना रेडी होके तो आ चुका है, वैसे वो ठीक तो कर दिया है बोल रहे, लेकिन क्या है नहीं है पता कैसे चलेगा, अभी चेक कर रहे हैं। अभी तो ये लॉन्ग राइड चलाने के बाद ही पता चलेगा। चलो ठीक ही है, तो देखते हैं। और अभी तो गाइस मेरा जो स्कूटी है ना वो ठीक हुआ है नहीं हुआ है मुझे उतना आइडिया नहीं है, फिर भी वो लोग के हिसाब से ठीक कर दिया है। तो अभी जाना है मुझे मार्केट की ओर, और उसके बाद में फिर देखते हैं। अभी दूसरा प्रोग्राम भी है, और दूसरा प्रोग्राम में भी जाना, और इसका मॉडिफिकेशन जो है ना, ये मॉडिफिकेशन में काम करना है। तो चलिए अभी एक ही बार में मार्केट पर मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी मैं आया हूँ, और ये दार्जिलिंग मोड़ में जो एक हॉल है वहाँ पे एक प्रीमियर शो हो रहा है, दो म्यूज़िक वीडियो का प्रीमियर शो हो रहा है, तो वहाँ पे मैं आया हूँ। तो यहाँ पे मुझे कवरेज देना है, जो कि मेरा जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी सामान है, वो मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मुझे कवरेज देना है, उसके बाद में यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम, साथ साथ में एक दो म्यूज़िक वीडियो का प्रीमियर शो हो रहा है, तो यहाँ पर कवरेज देना है, उसके बाद में फिर यहाँ से चलना है। और गाइस मैं गया था इससे पहले, जो कि सेवा क्रोड में गया था, तो वहाँ पर जाके मुझे मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत आइडिया मिला। तो क्या मॉडिफिकेशन होगा तो अगले वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ आने के बाद में, फिर यहाँ पे ख़त्म होने के बाद में मैं फिर दूसरी जगह जाऊँगा, तो बने रहे ब्लॉग में। और यहाँ का मैं जितना भी बिहाइंड, यहाँ का जितना भी सीन वगैरह है, मैं सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। तो बने जीवन अधिकारी गौतम, रात भर बारिश को
सार्वजनिक खरीदको निम्ति म यहाँ मञ्चमा डाकिएको छु। गौतम लेप्चाजी, एसआरएस प्रोडक्टद्वारा गृहित पहिलो राजभर वनस्पतिको जिन्दगी इन्जोइङ द लाइफको हामी यहाँ र यसका राजभर वनस्पतिका। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप लास्ट वाले ब्लॉग में देखे थे, लास्ट वाले जो पार्ट में देखे थे आपने सिलगुड़ी में, और अभी मैं आया हूँ पहाड़ के बीचों बीच। आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आया हूँ। गाइस अभी मैं आया हूँ कौशंग से थोड़ा नीचे, सिलगुड़ी से थोड़ा ऊपर, रोहिणी पार्क में, जो कि यहाँ पे एक लेक भी है गाइस। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ का लोकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग का एक प्री वेडिंग शूट चल रहा है, तो उसी के प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। उधर पे पूरा एकदम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी टीम जो है प्री वेडिंग शूट के लिए रेडी है, और मेरा जो है यहाँ पे ड्रोन का काम है, तो यहाँ पे आया हूँ। और जो पिछले वाले जो वीडियो जो है ना, वो पहला दिन का है, कल का है, और ये जो है नेक्स्ट डे का है। तो वो वाले वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था कि गाड़ी का जो इश्यूज चल रहा था, यानी स्ट्रिंग को लेके, ठीक है, तो वो मेरा सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मैंने लगभग 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से ऊपर चलाया, एक भी वाइब्रेशन नहीं है, तो शायद मेरा वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। और ये वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे, यानी कि इसी में सेकेंड डे का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे शूट का प्रिपरेशन चल रहा है, तो बने रहे ब्लॉग्स में, मैं थोड़ा बहुत बिहाइंड द सीन वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है, तो बने रहे ब्लॉग्स में। और हमारे यहाँ पे प्री वेडिंग का जो है शूट के लिए काफ़ी बढ़िया सेटअप हमारे जेके दाई रेडी करते हुए, और यहाँ पे पूरा एकदम मेन कैमरामैन निशान जैन तमांग, ठीक है। तो हमारा जो ये सेटअप जो है, जितना भी आप लोगों को भी अगर करना है सिलगुड़ी का अगल बगल में, काफ़ी बढ़िया हम लोग करते हैं, हमारे जो टीम है काफ़ी बढ़िया करते हैं। निपानिया क्रिएटिव स्टूडियो के नाम से हमारा जो स्टूडियो है, तो उसके दौरान आप प्री वेडिंग से लेके, पोस्ट वेडिंग से लेके, मेन वेडिंग से लेके, फोटोशूट से लेके कुछ भी कर सकते हैं, जितना भी है, म्यूजिक वीडियो से लेके, आप लोग शॉर्ट फिल्म से लेके, जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। और स्पेशली हमारे जो गोरखा कम्युनिटी से, उसके लिए काफ़ी सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा, आप मेरा जो काम है, आप ये जो जिस तरीके से सेटअप बना रहा है ना, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए किस तरीके से यहाँ पे शूट होने वाला है, ठीक है। और ये जो वीडियो रिलीज होगा, ये निशान जैन तामंग में रिलीज होगा, है ना भाई? तो निशान जैन तामंग यूट्यूब चैनल में रिलीज होगा, तो आप वहाँ पे जाके भी देखना ना भूले, जबकि ये वीडियो जब रिलीज होगा तब। तो चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए, और बने रहिए वीडियो पे। गाइस अभी वेट करते करते ना, सूट का वेट करते करते पूरा थक गए, बोर हो गए, और नींद भी लगने लग गया है, इसीलिए बाइक पे अभी लेटे हुए हैं। और जो एक्चुअली मेरा जो है ना शूट कंप्लीट हो चुका है, अभी और 2-3 तो शॉट है, बस उसके बाद में निकलना है मुझे। वैसे शूट करते करते शुरू करते करते बहुत टाइम लग गया, इसीलिए मेरा शॉट भी काफ़ी लेट हुआ। हालांकि अभी एक शॉट जो है कंप्लीट हो चुका है, और 2-3 तो शॉट है, बस उसके बाद में चलते हैं। अभी दूसरा जो है उधर पर, शायद आप ये बैक साइड में कहीं पर शायद वो लोग कर रहा होगा शूटिंग वगैरह, तो उतना आइडिया है नहीं मेरे को। फिर भी अभी मैं ये बाइक पर लेता हुआ, तो कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो जो है, कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पे गाइस। काफ़ी वेट करने के बाद में फाइनली हमारा शूट चालू हो चुका है, और ये रहा कुछ बिहाइंड द सीन्स।
गाइस आज का जो वीडियो था आपका आज का जो ब्लॉग था इसमें जैसे कि दो दिन का ब्लॉग था, कल वाले जो ब्लॉग था वो थोड़ा बहुत आया था और इस वाले ब्लॉग जो है आज का दिन में मैं जैसे कि आप लोग को सुबह बताया कि जो है प्री वेडिंग का शूट था और जहाँ में मुझे ड्रोन फुटेज वगैरह लेना था, दो लोकेशन में बढ़िया बढ़िया ड्रोन फुटेज दिया, तो आज का काम कम्प्लीट हो चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी करना सब्सक्राइब और बेल वाले आइकन को भी दबा देना गाइस, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कीजिए और दबा के लाइक सेट हो जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच गाइस।